पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले राजस्थान के सरहदी जिलों में पाकिस्तान पिछले कुछ वक्त से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। कभी ड्रोन भेजकर इस पार की खबर लेने की कोशिश करता है, तो कभी बॉर्डर पर हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों में फायरिंग और बम से हमला करता है। पाकिस्तान कितना शातिर है, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉर्डर से सटे जिले जैसलमेर से लगातार संदिग्धों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। सेना ने जैसलमेर के बॉर्डर के पास एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया जा रहा है। सेना ने इस संदिग्ध को पकड़ने के बाद उसे रामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया है, ताकि इससे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये बॉर्डर के पास रामगढ़ में क्या कर रहा था। इस व्यक्ति पर जासूस होने का शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसे रामगढ़ में सेना के कैंप के पास से ही पकड़ा गया है। इसके पास से पेन ड्राइव और मोबाइल फोन मिला है, जिसे पाकिस्तान में वीडियो कॉल करता था। आरोपी ने कबूल किया है कि वो पिछले साल पाकिस्तान भी गया था। इस व्यक्ति का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को जो उनके कैंपस के पास घूम रहा था, फतन का सुनब कादर खान जाति मुसलमान निवासी सम में थाने पर लाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बात की है और उसने ये भी बात स्वीकार की है कि वो पाकिस्तान 2018 में गया था। उनकी GSI कराई जाएगी, अधिकारियों को सूचित किया गया, आर्मी और पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। पुलिस को इस व्यक्ति से जानकारी मिली है कि अभी तक ये व्यक्ति सेना की कई खुफिया जानकारियां BSF की सामरिक सूचनाएं पाकिस्तान भेज चुका है। जैसलमेर से पकड़े गए इस जासूस को अब खुफिया एजेंसियां पूछताछ के लिए जयपुर लाई हैं। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से बात करता था, लेकिन वीडियो कॉलिंग और बॉर्डर के इलाके की जानकारियां देने की वजह से अब ये संदेह के घेरे में आ चुका है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के स्लीपर सेल का एजेंट हो सकता है, लिहाजा इससे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पड़ोसी के नापाक मंसूबों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।